अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए देखिए, मैंने सिल्क धागा लिया है और धागे के लेयर करके बना ली हूँ। धागे के लेयर किस तरह से बनाती हूँ उस पर वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें इस तरह की मैंने छोटी वाली स्मॉल साइज़ की बीड्स पिरोई हैं। और ये धागे मैं ग्रीन ले रही हूँ, दुपट्टा ये ग्रीन बॉर्डर है। आप अपनी पसंद से जो भी कलर लगाना चाहते हैं उससे बना सकते हैं डिज़ाइन। और इसमें मैंने पिंक बीट से डाली है, क्योंकि इसमें पिंक जो है ये प्रिंटेड दुपट्टा है। तो इस तरह मैंने कॉम्बिनेशन किया है। आप चाहें तो गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, तो गोल्डन भी अच्छी लगेगी इसमें बीट्स। जो भी आपको पसंद हो उस तरह आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं किस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। और मैं नीडल ले रही हूँ 11.07 mm की। अगर ये नीडल आपके दुपट्टे में आसानी से ना जाए तो आप 12 नंबर वाली भी ले सकते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैं कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह अब तीन चैन और यहाँ से क्रॉस में इसे बना लेंगे डबल क्रोशिया। चार बार बना लेंगे। इस तरह से बाद में जब बनाते हुए पूरी डिज़ाइन आएंगे ना पूरे दुपट्टे पे, तो यहाँ पे आके अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये धागा फिक्स हो जाएगा। अब थोड़ी सी दूर पे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अंदाजे से करना है और अगर आपकी ये सिलाई जो है बहुत चौड़ी नहीं होगी, इसमें जो है बहुत चौड़ी सिलाई हुई है इसलिए मैं ऊपर से बना रही हूँ। अगर ये बारीक सी ऐसे सिलाई हुई होगी आप में ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत चौड़ी है इसलिए मैं ऊपर से बना रही हूँ डिज़ाइन। फिर तीन चैन क्रॉस में चार डबल क्रोशिया करेंगे। कॉर्नर पे पहुँचेंगे किस तरह से बनाएंगे, इसलिए मैंने कॉर्नर से स्टार्ट किया है, ताकि अक्सर मैसेज आते हैं कि दुपट्टे के कोने को कैसे सेट करते हैं, तो वो देखेंगे इसमें। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस तरह देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे कोने पे बिल्कुल इस तरह। फिर तीन चैन लेते हुए उसी तरह से क्रॉस में चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह की डिज़ाइन मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कर रही हूँ डिज़ाइन, तो इसलिए सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अक्सर मैसेज भी आते हैं कि छोटी डिज़ाइनें और भी डाला करें, पोस्ट किया करें, तो मैंने सोचा ये भी डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब यहाँ पर आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ी दूर पर डबल क्रोशिया बनाते हुए और इसी तरह से क्रॉस में बना दीजिए चार डबल क्रोशिया, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से तब आएगा लुक अगर आप यहाँ पे डबल क्रोशिया करके करेंगी तो। और जो मैं एक और तरीका बता रही हूँ उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब डबल क्रोशिया इसी में एक बार और बना लीजिए, तो इसका लुक देखिए अभी बताती हूँ किस तरह से आएगा।
अब क्रॉस में इसी तरह से चार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह अब यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अभी कोने पे इस तरह से कुछ दिखेगा लुक इसका। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना लीजिए। यहाँ पे फिर तीन चेन और क्रॉस में बना लेंगे, चार डबल क्रोशिया उसी तरह से। इस तरह डबल क्रोशिया बना फिर तीन चेन। देखिए इस तरफ 1 2 3 4 5 पांच पत्ती बनी है ना, तो इस तरफ भी पांच पत्ती बना लेंगे। 1 2 3 4 चौथी में बना रही हूँ तो मैं पांच पूरी कर। इस तरह देखिए पांच पत्ती इस तरफ भी बन गई है। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब तीन चेन और क्रॉस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह छोटा सा एक पिकॉट बन जाएगा। फिर एक चेन लेके थोड़ी दूर पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर तीन चेन लेते हुए क्रॉस में पिकॉट बना लेना है। फिर एक चेन थोड़ी दूर पे सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन लेते हुए क्रॉस में पिकॉट बना लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 10 पिकॉट बना लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से पत्ती बनाना शुरू करेंगे। तो मैं 10 पिकॉट बना के फिर बताती हूँ पत्ती बनाना किस तरह शुरू करेंगे। इस तरह देखिए 10 छोटे पिकॉट बन गए। अब यहाँ पे एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया से पहले अटैच कर लेंगे इस तरह। अब एक चेन लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीन चेन लेके क्रॉस में उसी तरह से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीड्स के साथ में इस तरह से। और फिर थोड़ी दूर पे डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह। फिर तीन चेन लेते हुए क्रॉस में उसी तरह चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें जो है दुपट्टे पे पूरे बनाते जाना है। तो इसी तरह से मैं बनाते हुए दुपट्टे को कंप्लीट करती हूँ। फिर यहाँ पे आके धागे को कट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आखिरी तक आ गई हूँ बनाते हुए पूरे पे डिज़ाइन। अभी यहाँ पे धागे को कैसे हमें फिक्स करना है, कैसे कट करना है वो देख लेते हैं, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाई थी ना, यहाँ पे स्टिच है इस तरह स्लिप स्टिच बना लेंगे यहाँ पे। फिर चेन लेते हुए धागे को कट कर देंगे। अब ये दोनों धागों को पीछे की तरफ हमें फंसा देना है। ये वाले धागे को भी ऐसे कस करके फिर उसके बाद कट कर देंगे। तो अभी देखिए इसका फाइनल लुक कैसा आया है। और ये देखिए यहाँ पे इस कोने पे तो मैंने आप लोगों के साथ डिज़ाइन बनाई थी, और तीनों कोनों पे कैसे डिज़ाइन बनी है वो मैं दिखा देती हूँ। इस कोने पे देखिए इस तरह से आया, क्योंकि स्पेस वाली डिज़ाइन है तो जिस कोने पे जैसे डिज़ाइन आ रही है उसी तरह से बनाते जाएं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आया है।
और इस कोने पे देखिए इस तरह से आई है डिज़ाइन। तीसरे कोने पे इस तरह से आई है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग ट्राई करिएगा अपने दुपट्टे पे, और ये स्पेस आप जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन। अगर आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी किसी प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।